देखिए आज हम आपको सोयाबीन की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर दिखाएंगे, जो सभी को बहुत अच्छी लगती है खाने में। बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये, एक बार ट्राई जरूर करिएगा और देखिए हम कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको सोयाबीन की सब्जी बनाकर दिखाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसके आगे छोले और पनीर भी फेल है। देखिए ये हमने 150 ग्राम सोयाबीन ले ली है। देखिए कितने साफ सोयाबीन है। हमने एक भिगोने में पानी रख दिया है, ये हमारा पानी उबल गया है। अब इसमें हम सोयाबीन डाल देंगे अपनी। हम सोयाबीन में एक उबाल लगाएंगे जिससे हमारी सोयाबीन फूल जाएगी। हमारे सोयाबीन में उबाल आ गया है, हमने उतार दी है। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हम 5 मिनट के ठंडा करेंगे और ठंडा करके हम निकालेंगे इन्हें। देखिए हमने 3 से 4 मोटी मोटी प्याज काट ली है, 2 टमाटर काट लिए हैं और 3 हरी मिर्च काट ली है ये हमने। और हम इन्हें भूनेंगे एक कढ़ाई में हमने। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, और इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को भूनेंगे पहले सुनहरा होने तक, जिससे इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा प्याज का। देखिए धीमी आंच पे हम प्याज को गोल्डन ब्राउन भूनेंगे, फिर हम निकाल लेंगे। देखिए हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है, और उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी इसी के साथ भून लेंगे, भी सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। हमारे टमाटर और प्याज भून गई हैं, हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा करके मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे हम। हमारी सोयाबीन थोड़ी ठंडी हो गई है, और हम इन्हें निचोड़ निचोड़ के एक बर्तन में निकालेंगे। देखिए दूसरे बर्तन में कर लेंगे निचोड़ के, सभी का पानी निकाल देंगे हम। देख सकते हैं इसमें पानी भरा हुआ है। ये बहुत टेस्टी सब्जी लगती है। देखिए हमने कढ़ाई रख दी है, हम सोयाबीन को भूनेंगे जिससे इसमें कच्चापन खत्म हो जाएगा इसका, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हम इसी कढ़ाई में सोयाबीन भून लेंगे। देखिए सोयाबीन का कलर चेंज हो गया है, कितनी गुलाबी भुन गई है। हम गैस बंद कर देंगे और सोयाबीन को निकाल लेंगे। देखिए इसमें हमने बर्तन में कर लिए, अब इसमें दही डालेंगे हम। ये कटोरी दही है ये हमारी, और इसमें मसाले डालेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे, और इन्हें मिक्स करेंगे। मसाले में कोट हो जाएंगे सोयाबीन हमारी, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे मसाले हमारे सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सूखा धनिया हम 1/2 चम्मच डाल देंगे, सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे सोयाबीन हमारी सभी मसालों को एब्जॉर्ब कर लेगी। देख सकते हैं इतने हम अपनी प्याज की प्यूरी तैयार करेंगे। देखिए हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है हमने। हम जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच, और तेजपात पत्ता डाल देंगे, हींग डालेंगे 1/2 चम्मच, और इसमें हम अपनी प्यूरी डालेंगे जो हमने टमाटर प्याज की बनाई है। देखिए अपनी प्यूरी को भूनेंगे हम। हम इसमें अदरक डाल देंगे, ये अदरक कद्दूकस कर लिया था हमने, और इसे चलाएंगे, मसालों को भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक ऑयल छोड़ेंगे जब तक हम भूनेंगे मसालों को। देखिए प्याज भून गई है हमारी, हम इसमें अपने सोयाबीन डाल देंगे जो मसालों वाली है।
देखिए इस तरह से चलाएंगे, सभी मसाले इसमें आपस में कोटिंग हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब इसे पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ये कलर के लिए है। आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे स्किप कर सकते हैं आप। एक चम्मच हम सब्जी मसाला डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी। अब हम इसे पकाएंगे, जब तक ये ऑयल छोड़ेगी कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने दही डाली है तो फट सकती है। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी टेस्टी तैयार हो गई है। हमने इसमें चल नमक ऐड नहीं करा था, अब हम नमक ऐड करेंगे। आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आपकी सब्जी जितनी है उसके अनुसार डाल सकते हैं आप। 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। सोयाबीन की सब्जी हमारी कितनी टेस्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद आपको सर्व करके दिखाएंगे। हम धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। देखिए हमारी सोयाबीन की सब्जी तैयार हो गई है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप आइए एक बार इसे जरूर बनाकर देखिएगा जिस तरह से हमने बनाई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो देखिए कितनी अच्छी से बनी है, कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का, देख सकते हैं आप। आप इसे फुलके के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं आप। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।